नमस्ते एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ मेन एंड वुमेन इलस्ट्रेशन ऑन पेपर कैनवस मूवी सीरियल्स एंड इन रियल लाइफ। एज अ स्मॉल चाइल्ड स्टार्ट्स स्पीकिंग देयर मदर टॉट देम टू लर्न बॉडी पार्ट्स आईज ईयर नोज माउथ हैंड्स ड्यूरिंग स्कूलिंग वी लर्न अबाउट ह्यूमन बॉडी एंड देयर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन हाई क्लासेस We learn in details not only human but animal kingdom and plant kingdom both. Every organ of the body of humans are meant for specific functions. Doctors, researchers, astrologers and spiritual aspirants are trying to find out the remedy of cause and effect and solution of physiological activity of human body to defeat death and human suffering. Everything should be at right time. Things are inbuilt. No need to educate too much. Today's philosophy is men and women are same, only body difference. All our soul advancement says why girls and women sacrifice so much. People says your mind is contaminated, not mine. You see things in wrong way, not others. Today's era is co-ed era. Most of the peoples are educated, rich, have good position in society. General opinion is poor suffers, not rich. Legally nowadays very safety programs, rules, regulations are existing in spite of these so much chaos in the world, so much disturbance in the world. It is sad couples are made in heaven. देखिए जिसका जिसके साथ कार्मिक अकाउंट होगा वो आपकी लाइफ में आएगा. ओल्ड कार्मिक अकाउंट विल बी सेटल्ड एंड फ्यू न्यू अकाउंट्स विल क्रिएट. फ्यू अकाउंट्स विल बी क्लोज. जिसका जो चॉइस होगा, जिसको जो पसंद होगा, जहाँ एक्सेप्टेंस होगी वहाँ रिलेशंस बनेंगे. It does not mean that for making relationship, for making yourself beautiful, attractive, you have to minimize your dressings. Husband and wife are meant for each other. What I felt nowadays, husband feel very proudy or good if her wife is very presentable and beautiful in parties, ceremony and functions. What I observed, females are like some showpiece. Nowadays everyone is behaving for public, for others, not for each other. Time is like that. Advancement ke naam par kya kya ho raha hai, why things are not controlled. We need to study the cause and factors as well as the genes, brain, mind, sanskar, surroundings, picture, news and media. Is sansar mein aaye anek log hain jinki mrityu rahasyamay aaj bhi hai. जब गुरु जीवित रहते हैं तो उनकी टीचिंग्स को मानने वाले फॉलोवर्स बहुत कम होते हैं. विवादास्पद समस्याएं उत्पन्न होती हैं. अपने को बचाने के लिए इंसान दूसरों को कैसे बर्बाद करता है, नुकसान पहुंचाता है और उसको मार भी सकता है. सालों साल उसी इंसान को भगवान मानकर फिर गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद और चर्च में पूजा की जाती है. मैंने देखा है कि इंसान के मरने के बाद उसको कैसे उपयोग लाया जाता है. जैसे आजकल महात्मा बुद्ध की टीचिंग को फॉलो करने वाले बहुत कम हैं. आज महात्मा बुद्ध एक डेकोरेटिव पीस बन के रह गए हैं. ड्राइंग रूम, रेस्टोरेंट, होटल के कॉर्नर में हमारे जैसे लोग तो एक नज़र उठाकर देख भी लेते हैं. कुछ लोगों की तो नज़र भी नहीं पड़ती. जीते जी जिसको हम खुशी ना दे पाए, मरने के बाद क्या देंगे. एक खूबसूरत वस्तु और इंसान में शालीनता, गंभीरता होती है. चित्रण खराब करके अर्निंग ऑफ फेमस होने का साधन बना सकते हैं केवल. वॉट इम्पैक्ट ऑल ऑफ यू विल लीव फॉर नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज़ अप टू ऑल ऑफ यू. कुछ लोग कहते हैं बड़े हो गए बच्चों जैसे बिहेव करते हो, बी मेच्योर. आपने देखा है कुछ लोगों की संतानें मेंटली रिटार्डेड होती हैं. फिजिकल बॉडी डेवलप होती है लेकिन माइंड डेवलप नहीं होता. जस्ट थिंक ऐसे बच्चे माँ बाप कैसे पालते हैं, बड़ा करते हैं, ये सोचिए. दैट्स वाई आई एम सेइंग वी आर सो मच ब्लेस्ड. ईश्वर ने जो हमें दिया है उसका धन्यवाद करें और अपना बेस्ट दें. Eyes are the door of the soul. What diagnostic machines, namely X-ray, do? They scan and give the picture beneath the skin, means skeleton, any fracture in bone. Similarly, what I observed, some eyes also do same function. They try to look inside the dress. साड़ी को साड़ी जैसे पहने तो अच्छा है, अदरवाइज जीन्स और सूट पहनकर भी शादी की जा सकती है. इट इज़ नॉट द केस ऑफ वुमेन ओनली, इट इज़ द केस ऑफ मैन आल्सो. वस्त्रों का निर्माण हमने किया है तो उसका सदुपयोग करें. कभी कभी कुछ लोग दूसरों को देखकर भी कॉपी करने लगते हैं. टाइम था कि लड़कियों की शादी नहीं होती थी और आज एक ऐसा टाइम है जहाँ पर लड़कों को लड़कियाँ नहीं मिलती शादी के लिए. तो भाई सब जब अकेले अकेले रहेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है किसी भी बात का. सब लोग अकेले रहें या फिर एडजस्ट करें. एडजस्टमेंट भी किस लिमिट तक होना चाहिए ये भी ज़रूरी है. जब हम गलत नहीं हैं तो
फिर हमें किस बात से डरना चाहिए? किसी ज़माने में भगवान का डर था, आज कैमरे का डर है। आपने देखा है, सुना है लड़कियों को कैसे ब्लैकमेल करते हैं? कैमरे का यूज अच्छाई के लिए करिए, किसी को परेशान, डराने और धमकाने के लिए नहीं। क्या किया जाए, ज़माना ही ऐसा है, करे भी क्या करे। दिस इज़ ऑल अबाउट जनरल प्रॉब्लम। आज यहाँ प्रॉब्लम है तो कल वहाँ हो सकती है, इसी का उपाय करना है। वी नीड टू सॉल्व ऑल दीज फॉर बेटर फ्यूचर, फॉर बेटर वर्ल्ड। विच टाइप ऑफ प्रोफेशन, बिजनेस, एजुकेशन, वर्क एंड लाइफ स्टाइल इज नीडेड फॉर बेटर फ्यूचर, वी हैव टू रीथिंक। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉपरेशन, पीस, ऑर्डर एंड हारमोनी।